भाजी राम 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 राम। क्यों गांव है? गांव तो बाड़मेर है, कहीं करना तेरे। अरे नहीं सिंडली जाके बाड़। अरे अरे जाटोंगो के भाई रात भर संग तो ध्यान कोई नहीं इंडे के दार ले पाए। कहाँ से आए? राजस्थान डिग्गी मालपुरा। अच्छा मालपुरा रहे? मालपुरा का साफा देखी क्यों ऐसा चला फिर पता नहीं। नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका हमारे नए ब्लॉग में। और अभी हम हैं ब्रह्मा जी मंदिर के जस्ट बाहर की साइड, पुष्कर मेले में। और नाइट का कैसा नज़ारा रहता है वो आपको दिखाते हैं इस ब्लॉग में। रात्रि में खूबसूरत शाम होती है और लोग जो शाम के टाइम ही ज़्यादातर मेले में और दूसरी जगह भी पूरे मेले का आनंद लेते हैं। तो रात्रि में कैसा नज़ारा रहता है वो आपको। अरे देख रहे हैं लोग रात में भी, देखिए ऐसे खरीदारी कर रहे हैं। विदेशी मेहमान है तो भारतीय परिवेश में आप देखिए कितने खूबसूरत लगते हैं। बीच रास्ते में ही आप देख रहे हो आइसक्रीम और चाय का लोग आनंद लेते हैं। ब्रह्मा जी के मंदिर का ये नजारा आप देख रहे हैं, इतना खूबसूरत यहाँ सजा रखा है। देखिए यहाँ पे डोनेशन के लिए लोग निःशुल्क शिक्षा के लिए डोनेशन की मांग कर रहे हैं। पहनावा देख रहे हैं, ये है हनुमानगढ़ गंगानगर साइड के लोग हैं जो पहनावा देख रहे हैं। साइड के लोग हैं, साफे से पहचाने जा रहे हैं। बाजी राम 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 राम। क्यों गांव है? गांव तो बाड़मेर है, कहीं करना तेरे। अरे बाड़मेर में किसम है ही बाड़मेर रहा। सिंडली सिंडली जागीर सिंडली रहो। नहीं खेतपाड़ा तेरे बाड़मेर में। हाँ शिव शिव में झणकली गांव है। झणकली हमारे दादा भी करो। झणकली में राजपूत गणा है। हाँ वही मैं सांपो देखे दिन पहचाने में है तुम्हारा आदमी। कद आये हो? मैं 3-4 दिन हो गया। अच्छा आया ना। हाँ कतरा से नाम अकेलो। अच्छा घूमण आयो? कट कट घूमियो। अच्छा पूरे देख लियो ये पशु मेलो घोड़ा और ऊंट। अच्छा पसे पाछो पाछो काले अठे यार परसो जाओ। अच्छा की नाम? मारो मुगना राम। मुगना राम जी तो बढ़िया। आप रो संतोष चौधरी। संतोष चौधरी। संतोष पढ़ाई करो? अच्छा केड़ो लागो मेलो? बहुत बढ़िया। बाड़मेर आया है? कहीं कहीं घूमिया? मैं तो अभी तक हाजी वर्मा जी की अभी यही है। अच्छा अभी अच्छा अभी दर्शन किया? आरती उतारी। कमरा भी जो मिलियो? कमरा हमें मैं तो नहीं लिया। अच्छा अबे अरे अरे जाटोंगो के भाई रात भर संग तो ध्यान कोई नहीं इंडे के दार ले पाए। पतो करनो पड़ी। अच्छा तो हम खेत सेवा कर लिया अटके रहो। सारे घूमा सारे कमरों नहीं उड़ो? नहीं मैं तो अजमेर जाऊँ। अच्छा गाड़ी है ये तो अजमेर सुबह आया करा एक लगा नहीं गाड़ी। हाँ
घूमना है वैसे पते पाछो करना से पाछो जयपुर मैं जयपुर रह करा पढ़ाई करा अच्छा किती में मैं पीएचडी करू पीएचडी समझ सारी हो गया पीएचडी पीएचडी आ गया करे पण करे मास्टर नी मास्टर कॉलेज में पढ़ावे ना मास्टर कोनी करे पण किताब कही है किताब हिस्ट्री इतिहास बड़ा इतिहास अच्छा इतिहास आर्ट्स में है ना आर्ट्स 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 मैंने बढ़िया माजी तो जितो हो चुको देखो माता जी पूरा ट्रेडिशनल वेशभूषा में चूड़ा वगैरह सब पहन के आए हैं मेरे आप सोरो है बॉय पड़ा हुआ है स्कूल में हाँ। बायोलॉजी की उड़ी है अच्छा अच्छा बाद मेरे मदर टेरेसा में लागू हुआ अच्छा बहुत बढ़िया कई नाम है पारो अनिल कुमार अनिल चौधरी बहुत बढ़िया ये नंबर हमारे पहले माता जी ने दिखाऊं माता जी का फोटो भेजी मारा आंगला माता जी केड़ो के लागो मेलो के अंक लागो अब आर तो और थे मेले में जाओ अठे लागोड़ो है झूलार भूलार झूले पर जाइयो हैं और अभी नए भाई नहीं हुआ जाना सर्वर मेयर वगैरह पहली बार आयो पहली बार अच्छा 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 कोई और भी जरूरत हो अठे कोई काम पड़े तो मन बता दीजिए राजस्थानी जो वेशभूषा है वो इतनी अद्भुत है और इसमें इतनी विविधता है हर क्षेत्र की और हर समाज की अपनी अलग पहचान है अलग वेशभूषा है उससे हम एक दूसरे को पहचान जाते हैं कि किस समाज से किस इलाके का रहने वाला है अभी हमारे को हमारे बाड़मेर के लोग मिले तो हमने ऐसे ही पहचान लिया साफे से साफा देखते कि ये हमारे बाड़मेर का लोग है अब आप देखिए आप इनके साफे कितने अच्छे हैं और कैसे देखते हैं ताला अच्छा यार लेकिन कहाँ से आए राजस्थान डिग्गी मालपुरा अच्छा मालपुरा रहे मालपुरा का साफा देखिए कितना खूबसूरत है तो ये मालपुरा और टोंक के आसपास के जो लोग हैं वो इस प्रकार का साफा बनते हैं बहुत बड़ा होता है दोस्तों राजस्थानी कल्चर और संस्कृति को देखना हो तो पुष्कर के मेले में जरूर आना चाहिए यहाँ आपको पूरे भारत की और पूरे राजस्थान की कल्चर और संस्कृति देखने को मिलेगी हेलो
तो भैया ये स्ट्रीट गली में है, आप देखिए रात्रि का इस प्रकार का है नज़ारा। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं घाट पे। रात्रि के समय घाट पर जो नज़ारा रहता है वो देखने लायक है। कितनी सुंदर तो लाइटिंग है। ये है दोस्तों घाट का नज़ारा, सरोवर का नज़ारा। क्या खूबसूरत लाइटिंग है और कितना ब्यूटीफुल दिखाई दे रहा है। देखोगे तो राम नाम का दीपक जला के स्वास्तिक का भी यहाँ पे देखो कैसे दीपक को जला के स्वास्तिक बनाया गया है। इसी प्रकार पूरे घाटों को ऐसे दीपक जलाकर सजाया गया है। ये देखिए लाइटिंग वगैरह कितना खूबसूरत ये घाट और सरोवर को सजाया है। रात्रि में देखने में बहुत ही ज़्यादा आनंद आता है। दोस्तों यहाँ से आप जो नज़ारा देख रहे हैं बेहद खूबसूरत है। कैसा लग रहा है आपको वो कमेंट में ज़रूर बताएं। शाम के टाइम कोई भीड़ नहीं है, एकदम शांति का माहौल है। Yeah.
तो भाई जी यहाँ विश्व प्रसिद्ध मालपुए है, उनका आनंद ले रहे हैं भाई साहब। जो भाई साहब कैसा लग रहा है? बहुत स्वादिष्ट, टेस्टी, स्वादिष्ट, लजीज। ये रहा भाई मालपुए, कभी पुष्कर आओ तो जरूर टेस्ट करना चाहिए। एक प्लेट 50। तो दोस्तों हमारे साथ है विजयराज जी भाई साहब, और हम रहे 3 दिन साथ में, बड़ा अच्छा मज़ा आया। और भाई साहब अभी तो घोड़ों में व्यस्त थे, अब फ्री हुए हैं, सारे घोड़े चले गए, हम बिल्कुल एकदम लोकल होकर यहाँ अपने अपने बैग उठा कर आ गए हैं। अब हम निकले, लोड करवा दिया है, और अब हम बिल्कुल लोकल बंदे के जैसे यहाँ जी गलियों में आनंद लेंगे। और कल और आज और रात्रि में आज पता चला इतना आनंद आता है, नज़ारा आता है। बाल फूल खाए हैं और अब निकलते हैं आगे। और भैया आपको दिखा कि रात को ही सबसे ज़्यादा चहल पहल रहती है, ठंडी रात और लोग अभी खाने पीने में व्यस्त है। विदेशी मेहमान है जो भी अभी देखो शॉपिंग वगैरह कर रहे हैं। खूबसूरत है नज़ारा। हम भी लोकल दोस्तों, यहाँ पे आप देख रहे हो पुष्कर का जो फेमस कचौरी वो यहाँ पे मिलती है। पुष्कर की सबसे फेमस कचौरी। दोस्तों ये है ब्रह्म घाट, और सुबह सुबह यहाँ पे नहाने का, कल आप देख रहे हो कार्तिक पूर्णिमा है और इसका भव्य मेला भरा जाएगा, और कहते हैं कि उसी दिन देवता है जो यहाँ पे स्नान करते हैं, जो इस घाट में या पूरे सरोवर में कहीं भी जो नहाता है वो पुण्य को प्राप्त करता है, ऐसी मान्यता है। और हम भी कल जल्दी यहाँ के नहाने का। तो अभी हम अंदर की तरफ बाइक से निकलते हैं, और बाइक से कैसा नज़ारा दिखाई देता है वो सारा दिखाते हैं। क्यों ऐसा चला फिर पधारिए।
साइड में चलिए, एक साइड में हाँ ठोक दो भैया, ठोक दो। चलो चलो एक साइड में चलिए भैया जी, आए नहीं। ये देखो आदमी ने घाघरा पहना हुआ, उधर पीछे दिखाओ। चलो भैया चलो साइड में रहिए, दो दिन पहले मैंने यहाँ का फोटो डाला था, यहाँ का फोटो डाला था मैंने।